नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच के, उसके बारे में। ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, प्लेइंग इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले यदि आपने जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है माई फेव इलेवन, इस पर खेलना चालू नहीं किया तो इस पर खेलना आप चालू कर सकते हैं दोस्तों। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जैसे डाउनलोड करके आप Raj123, जी हाँ दोस्तों, रेफर कोड Raj123 डालना है, आपके लिए यहाँ से ₹50 का कैश बोनस आ जाएगा दोस्तों। इसमें खेलने का मैं क्यों बोलता हूँ, देखिए यहाँ से मैंने जो न्यूजीलैंड का और यहाँ से मैच हो रहा है दोस्तों, श्रीलंका को उसके में कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, आप देख सकते हो सेम टीम से ज्वाइन किया था। जो सेकंड पोजीशन पर वो मुझसे तकरीबन 50 पॉइंट कम है, और T20 में 50 पॉइंट करना कवर करना काफ़ी बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। आप देख सकते हो जो टीम मैंने आपके लिए सेम यहाँ से अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराई थी, सेम टीम से मैं खेला था दोस्तों। आप यदि अभी तक टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। कम कंपटीशन के लिए दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन कोड डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, Raj123 रेफर कोड जरूर डालिएगा, जिससे दोस्तों आगे के भविष्य में आपको लाभ मिलता रहेगा और हमारे ड्रीम क्रिकेट ग्रुप फैमिली के आप सदस्य बन जाएंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मैच का होने वाला। आप यहाँ देख सकते हो ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में मैच होने वाला, जो कि दोस्तों एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है, आपके लिए एक अच्छा स्कोर देखने को यहाँ से मिल सकता है, 250 प्लस आपके लिए स्कोर देखने को मिल सकता है। लास्ट मैच में बारिश हो गई थी दोस्तों, तो 20-20 ओवर का मैच हुआ था, लेकिन वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच हुआ था, इंडिया ने इजी जीत लिया था। चलिए बात करते हैं टीम न्यूज़ के बारे में। आपके लिए साउथ अफ्रीका दोनों ही अपने बैक टू बैक दोनों ही मैच हार चुकी है, तेमा बमुबा आपके लिए कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाएंगे और एक अच्छे प्लेयर हैं, आप चाहो तो टीम में ट्राई कर सकते हो, आप इनका परफॉर्मेंस भी देख सकते हो। मैं बमुबा ने आप देख सकते हो 40 रन बनाए थे, वहीं जॉर्ज लिंडे की बात करें दोस्तों, इन्होंने 53 रन की शानदार इनिंग खेल कर दी थी। हेनरिक क्लासन दोस्तों इनके एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, एक मैच में यदि आपको याद हो दोस्तों, जो शायद 2018 में खेला गया था, इन्होंने काफ़ी ठुकाई की थी यहाँ से युजवेंद्र चहल की, काफ़ी शानदार बल्लेबाजी की थी दोस्तों, शानदार प्लेयर है, आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। जाने माने मिलान आपके लिए शानदार ऑप्शन है, हेनरिक क्लासन, रिजा हेंडरसन दोस्तों इस सीरीज में भी एक शतक लगाई है, आपने यदि पहला मैच देखा हो तो, जूनियर डाला इनके शानदार प्लेयर, आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। रिजा हेंडरिक्स के बारे में आपके लिए बता चुका हूँ कि एक शतक ये ऑलरेडी लगा चुके हैं। वहीं बात करें दोस्तों, डेविड मिलान और रिजा हेंडरिक्स आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों ही शानदार प्लेयर हैं दोस्तों, दोनों ही टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं। चलिए ये बात करते हैं यहाँ से इंडिया के बारे में। इंडिया के लास्ट मैच में दोस्तों चेंजेस किया था, शिवम दुबे की जगह शार्दुल ठाकुर को यहाँ से खिलाया गया था, वहीं विजय शंकर दोस्तों रूल्ड आउट हो गए हैं, तो आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, इनको टीम में ट्राई नहीं करना। मनीष पांडे आपके लिए कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाएंगे और एक शानदार प्लेयर हैं दोस्तों, इन्होंने पिछले कुछ मैचों में शानदार परफॉर्मेंस करके दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। वहीं बात करें शिवम दुबे, दोस्तों पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी और अच्छा स्कोर करके दिया था, यहाँ से स्कोर भी किया था दोस्तों, उसके अलावा बॉलिंग से भी एक विकेट निकाला था। अक्षर पटेल ने दोस्तों इनके साथ दोनों ने मिलकर इंडिया को दोस्तों एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में पहुँचाया था। भाई मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो ईशान किशन है दोस्तों, इन्हें छोटा डायनामाइट भी कहते हैं इनके दोस्त, जो लोकल क्रिकेट होता है दोस्तों, उसमें 24 गेंदों में 55 रन बनाए थे लास्ट मैच में और जीत दिलाने में इनकी अहम भूमिका रही थी, काफ़ी ये तेज़ खेलते हैं। स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो दोस्तों 229 प्लस। ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, दोनों शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ नीतीश राणा को शायद टीम मौका दे दे, जो भी दोस्तों न्यूज़ आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से आपके लिए मनीष पांडे और ईशान किशन इनको फॉलो करते हुए नजर आ जाएंगे। अक्षर पटेल और दोस्तों कुणाल पांडे एक शानदार ऑलराउंडर हो जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें युजवेंद्र चहल, जो कि दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, अक्षर पटेल के साथ दोस्तों स्पिन गेंदबाजी को लीड करते हुए नजर आ जाएंगे। खलील अहमद और दीपक चहार के साथ मिलकर दोस्तों पेस बॉलिंग को पेस अटैक को यहाँ से लीड करते हुए नजर आ जाएंगे और आपके लिए कुछ ए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं दोस्तों। जो भी न्यूज़ आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं बैटिंग ऑर्डर और संभावित 11। साउथ अफ्रीका ए के बारे में बात करें, यहाँ से बात करें जानेमल मिलान रिजय हेंड्रिक्स का, तो ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। रिजय हेंड्रिक्स ऑलरेडी एक शतक लगा चुके हैं और जानेमल मिलान भी शानदार प्लेयर हैं, तो आप इन दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो। बमुमा है दोस्तों फर्स्ट डाउन, कायरे झोंडो हैं आपके लिए सेकंड डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे। हेनरिक क्लासन काफ़ी एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो और विकेट कीपर भी हैं। और बात करें जॉर्ज लिंडन, लास्ट मैच में इन्होंने शानदार इनिंग्स खेल के दी थी। वहीं बात करें माइक्रो जैसन है, ब्रिजॉन 14 है, जूनियर डाला है दोस्तों, बुरान हेंड्रिक्स और एंड्रो नोटर्जी दोनों ही काफ़ी शानदार, ये तीनों पेस अटैक में दोस्तों काफ़ी शानदार गेंदबाज हो जाते हैं, तो आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। चलिए भाई बात करते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया के बारे में बात करें दोस्तों, आप यहाँ से देख सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे शुभमन गिल के साथ। वो भाई अनमोल प्रीत हैं दोस्तों, मनीष पांडे हैं, ईशान किशन हैं आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे। पाँचों ही दोस्तों काफ़ी शानदार बल्लेबाज हो जाते हैं। शिवम दुबे और शार्दुल ठाकुर में से एक ही खेलता हुआ नजर आ जाएगा। वहीं अक्षर पटेल है दोस्तों, कुणाल पांड्या, युजवेंद्र चहल, दीपक चहार और खलील अहमद
आपके लिए काफ़ी शानदार प्लेयर हो जाते हैं दोस्तों। चलिए तैयार कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम, लेकिन उससे पहले आपके लिए माई फेव इलेवन टीम का मैं आपके लिए डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू यहाँ दिखा देता हूँ। आप इसकी टीम का डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हो। ईशान किशन है दोस्तों, हेनरी क्लासिंग मैंने टीम में ट्राई किया है, सुमन गिल, मनीष पांडे, मैं रिजा हेंड्रिक्स हैं और जैनमैन मिलान को मैंने टीम में ट्राई किया है, कुणाल पांड्यान दोस्तों, जॉर्ज लिंडे है मैंने इन्हें दोस्तों ट्राई किया है, या आप इनकी जगह किसी बॉलर को लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो। उसके अलावा युजवेंद्र चहल, खली नेहमत और एंड्रिस नोटर्जी, यदि आप लिंडे की जगह दोस्तों किसी एक्स्ट्रा बॉलर बुरन हेंड्रिक्स को खिलाना चाहते हो तो खिला सकते हो, या जूनियर डाला को भी आप खिला सकते हो, दोनों ही आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। और दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा हम हमारे ड्रीम इलेवन की टीम तैयार करेंगे तब कर लेंगे। चलिए तैयार कर लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन की टीम। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों यहाँ से विकेट कीपिंग सेक्शन की। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें उससे पहले दोस्तों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचते रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। दोस्तों बात करें दोस्तों यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में, हेनरिक क्लासेन शानदार ऑप्शन है दोस्तों, पहले मैच में अच्छा स्कोर किया था। उसके अलावा ईशान किशन, जैसा कि मैंने बताया इनके बारे में काफ़ी खतरनाक के बल्लेबाज हैं, तो यहाँ से मैं इन दोनों को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आपको ये दोनों तो खेलती हुई नजर नहीं आएंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट। मनीष पांडे आपके लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, एक शानदार प्लेयर है दोस्तों, पिछले कुछ मैचों में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया। वहीं सुभमन गिल आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, और दोस्तों यहाँ से रिजा हेंड्रिक्स आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे साउथ अफ्रीका की टीम की ओर से, तो मैं यहाँ से इन तीनों को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा बात करें दोस्तों आपके लिए डी बुरैन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, सुभमन गिल के साथ आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, लेकिन पिछले दो मैचों में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया तो शायद इनकी जगह टीम नीतीश राणा को यहाँ से मौका दे सकती है। उसकी न्यूज़ दोस्तों आपके लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा बमू बाप जो कि टीम के कैप्टन है दोस्तों, फर्स्ट राउंड करते हुए नजर आ जाएंगे, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। जोंडो आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों। उसके अलावा बात करें यहाँ से जैनमैन मिलान आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, और काफ़ी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं तो आप यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें अनमोल प्रीत आपके लिए फर्स्ट डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे इंडिया की ओर से। अब देखते हैं दोस्तों कल के मैच में नीतीश राणा को मौका मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन मेरी नज़र में एक शानदार प्लेयर ये हैं। फिलहाल की स्थिति में इन चारों बल्लेबाजों को टीम में ट्राई करूंगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन की। कुणाल पांडे आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, वहीं जॉर्ज लिंडे नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, और दोस्तों अपने कोटे के 4 से 5 ओवर आपके लिए फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। मैं यहाँ से कुणाल पांड्या का तो बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा बात करें दोस्तों आपके लिए यहाँ से जैसिन ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है, अक्षर पटेल अच्छा ऑप्शन हो जाता है, आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। कुणाल पांड्या की जगह आप इन्हें मौका टीम में दे सकते हो। दोस्तों पहले मैच में उन्होंने शॉर्ट रन का स्कोर भी किया था, उसके अलावा विकेट भी इन्होंने निकाला था। उसके अलावा शिवम दुबे के दोस्तों पहले मैच में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद सेकंड मैच में इन्हें परफॉर्मेंस यहाँ मौका नहीं दिया, स्कोर भी किया था दोस्तों, बल्ले से बॉलिंग से भी एक विकेट इन्होंने निकाला था, तो आप चाहो इन ऑप्शंस में से किसी को टीम में ट्राई कर सकती हो। मैं फिलहाल की स्थिति में ओनली कुणाल पांड्या को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, और किसी को मैं यहाँ से टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। मैं जॉर्ज लिंडे की जगह दोस्तों एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज इस कॉम्बिनेशन में खिलाना चाहूँगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से बॉलिंग सेक्शन की। युजवेंद्र चहल दोस्तों शानदार ऑप्शन है, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों, काफ़ी अच्छे अनुभवी प्लेयर हैं। उसके अलावा एंड्रिस नोटर्जी मेरी नज़र में दोस्तों ये काफ़ी शानदार गेंदबाज हैं, तो मैं यहाँ से इन्हें डेफिनेटली टीम में ट्राई करने वाला हूँ। उसके अलावा वुरन हेंड्रिक्स दोस्तों काफ़ी शानदार ऑप्शन है आपके लिए, जूनियर डाला, अब इन दोनों में से आपको टीम में ट्राई करना होगा, किसको टीम में लेना है किसको नहीं लेना वो आपके लिए चूज़ करना हो। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं यहाँ से वुरन हेंड्रिक्स के साथ जा रहा हूँ, आप चाहो जूनियर डाला के साथ भी जा सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ से ब्रिजोन फोर्टीन और खलील अहमद, इन दो ये दोनों भी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं दोस्तों, मैं यहाँ से खलील अहमद को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो ब्रिजोन फोर्टीन के साथ भी जा सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों आपके लिए सबसे शानदार ऑप्शन यहाँ से मनीष पांडे हो जाता है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर दोस्तों, अभी KPL में भी शानदार परफॉर्मेंस करके आया है, तो आप इन्हें टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स आपके लिए शानदार ऑप्शन है, और सुभमन गिल दोस्तों टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, तो आप इन्हें एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, इन तीनों को दोस्तों यहाँ से मैंने आपके लिए तीन ऑप्शन उपलब्ध कराए स्मॉल लीग के लिए, आप इनके साथ जा सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से ग्रैंड लीग के ऑप्शन के बारे में, तो आपके लिए जैनमैन मिलान काफ़ी शानदार ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, और ईशान किशन आपके लिए एक कुछ ऑप्शन हो जाते हैं ग्रैंड लीग के, तो आप इनमें से अपना कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।